रविवार की रात करीब 8:30 बजे एक व्यक्ति ने रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर अंबरनाथ रेलवे स्टेशन पर एक बैग में बम रखा गया है। पुलिस को सूचना मिलते ही अंबरनाथ रेलवे स्टेशन पर बम दस्ता कल्याण अंबरनाथ बदलापुर करीब 150 रेलवे पुलिस दस्ता मौके पर पहुंच गए। आनन फानन में बम दस्ता डॉग स्क्वाड दस्ता रेलवे पुलिस का दस्ता अंबरनाथ रेलवे स्टेशन पर गया, जहां पर प्लेटफॉर्म पर मौजूद हर छोटी बड़ी चीज और यात्रियों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान थाना क्षेत्र में कुछ नहीं मिलने पर उन्होंने कंट्रोलर के मोबाइल नंबर की तलाश शुरू कर दी। पूछताछ करने के दौरान दोनों फोन करने वालों ने कबूल किया कि अफवाह फैलाने की कोशिश थी। अतुल प्रजापति और प्रदीप प्रजापति दोनों कलावा इलाके के रहने वाले हैं और अंबरनाथ में रहने वाले अपने रिश्तेदार से मिलने आए थे। दोनों ने कहा कि उन्होंने आधी रात के करीब थाने से घर लौटते समय पुलिस के साथ मजाक व परेशान करने के इरादे से पुलिस नियंत्रण कक्ष को फर्जी कॉल किया था। उनके साथ घूम रहा है, ऐसा एक कॉल थाना कंट्रोल रूम सिटी के प्राप्त हुआ था। उन्होंने इन्फॉर्म करने के बाद कल्याण जीआरपी, सिटी पुलिस, अंबरनाथ, बदलापुर, आरपीएफ, बीडीडीएस टीम, थाना सिटी, रेलवे, इन्होंने सबने मिलकर रात 1 बजे से लेकर सवेरे 5 बजे तक पूरा अंबरनाथ स्टेशन छानबीन करके चेक किया। कोई सस्पेक्ट आदमी या कोई चीज़ ना मिलने से कॉल करने वाले आदमी का मोबाइल नंबर ट्रेस करने के बाद उनको इंक्वायरी के हिसाब से पुलिस स्टेशन बुलाने से पता चला उन्होंने तकलीफ देने की वजह से और पब्लिक में डर पैदा करने के हेतु से ये फेक कॉल किया था। उसके आधार पर उन दोनों के ऊपर अपराध दर्ज करके उनको अरेस्ट किया गया है। इनका बैकग्राउंड सर, ये कहाँ के रहने वाले हैं? उनका बैकग्राउंड वो दीघा कलवा साइड के रहने वाले हैं। एक अतुल प्रजापति नाम है, दूसरे का नाम प्रदीप प्रजापति है। दोनों दोस्त है, अंबरनाथ में किसी रिश्तेदार के या दोस्त के पास वो आए थे। रात में जाते टाइम उन्होंने ये कॉल किया है, ऐसा अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है, आगे की जांच चालू है। इनका बैकग्राउंड क्या है सर? बैकग्राउंड तो कोई क्रिमिनल नहीं है, लेकिन उसके तरीके